when the discussion on that demand is taken up today. Now the question of question number 381, Shri Arjun Meghwal. Question number 381. Honorable Minister. Yes. जी, पहला पूरक प्रश्न पूछिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ, जो रेगिस्तानी भूभाग है, मरुस्थल का हृदय स्थल है, और वहाँ पे जो पानी की समस्या है वो पूरे वेस्टर्न राजस्थान में जैसी मेरे बीकानेर में है करीब करीब। महिलाओं को बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। आज़ादी से पूर्व जो हमारे जल संसाधन थे, कुएं या बावड़ी, वो अबंडन हो गए हैं, नकारा हो गए हैं, और अब जो पीएचडी के माध्यम से जो स्कीमें चलती है वो सफिशिएंट नहीं है। और पानी के लिए जैसे ही अभी गर्मी शुरू हुई है, और पानी के लिए मेरे क्षेत्र में ही नहीं पूरे राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में त्राही त्राही मच गई है। इवन जयपुर में भी संकट पैदा हो गया। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाह रहा हूँ कि संसार की कुल जनसंख्या का 17% से भी अधिक हिस्सा भारत में है, और पानी 4% है, जल संसाधन 4% है, गैप है इंडिया में भी। लेकिन जब राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में गैप ज़्यादा है। राजस्थान में 10.41% भूभाग देश का है, राजस्थान में इतना बड़ा प्रदेश है, लेकिन पानी 1.5% है। अब ये जो इतना बड़ा गैप है, इस गैप को दूर करने के लिए जो भी हमारी सरकारें रही उन्होंने समय समय पर प्रस्ताव भेजे हैं। मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, समय समय पर प्रस्ताव भेजे हैं, और इन प्रस्तावों पे केंद्र सरकार ने जो जवाब मुझे दिया है, मैं ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। केंद्र सरकार ये कह रही है, मंत्री जी ने जवाब दिया है। आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। जल संसाधन संबंधी स्कीम परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार, नियोजित और क्रियान्वित की जाती है, ठीक है, हम मानते हैं। आगे लिखते हैं, तथापि भारत सरकार विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रम के माध्यम से जल संसाधनों के निरंतर विकास और प्रभावी प्रबंधन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देती है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या राजस्थान जैसे पिछड़े राज्यों के लिए जल संसाधन बढ़ाने के लिए कोई विशेष पैकेज स्वीकृत करने का विचार रखती है भारत सरकार, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अलावा जो 37,000 करोड़ का पैकेज भेजा हुआ है उस पे भारत सरकार का क्या कहना है? धन्यवाद। मंत्री महोदय। मैडम, फॉर द स्टेट ऑफ राजस्थान द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिलीज 2,133.215 crores अंडर द AIBP स्कीम एंड अंडर RRR we have released 5.02 crores up to March 2012, and under the CAD cut we have released 22 crores, so a total of 663.76 crores has been released to the government of Rajasthan. Dusra purak prashn puchiye. अभी तो पहले का ही सही जवाब नहीं आया है अध्यक्ष जी, दूसरा मैं कहां से पूछूंगा? ये कोई जवाब थोड़ी है, इट इज नॉट अ रिप्लाई। पूछिए पूछिए, ये प्रश्न मैं और पूछ रहा हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े तो मेरे पास ही है अध्यक्ष जी, आंकड़े तो मेरे पास भी है, आंकड़े तो मेरे पास भी है। जवाब आया था, लेकिन अगर जवाब और चाहते हैं मैं उसकी प्रयास करूंगा कि वो जवाब दूंगा। सवाल जल संसाधन मंत्रालय को आपने किया है और उसके आंकड़े आपको बताए हैं कितने दिए हैं। उसके अलावा एक चीज़ मैं माननीय सदस्यों को और बताना चाहता हूं कि जो एक बहुत लंबे अरसे से राजस्थान की मांग रही है कि सूखाग्रस्त जो इलाके हैं उनके लिए तो हमारे तरफ से ज़्यादा 90% तक का वित्त पोषण किया जाता है स्कीम्स के तहत, ये डेजर्ट प्रोन एरियाज़ के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पीने के जल के लिए भी उतनी ही बड़ी समस्या है जितनी कि सिंचाई के लिए है। इसलिए मैं ये हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ कि प्लानिंग कमीशन के टास्क फोर्स ने इस चीज़ पे अपनी सिफारिश की है कि उसको भी डेजर्ट जो एरियाज़ हैं, डेजर्ट प्रोन एरियाज़, उनको भी साथ ले लेना चाहिए, और हमें आशा है कि अभी जो वेल्थ प्लान में अभी इस पे जो आगे कार्रवाई होगी उसमें वो मेरा विश्वास है कि वो उसमें डाल लिया जाएगा।
दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए। धन्यवाद मंत्री जी, आपने जो इसका टाइम शेड्यूल जरूर बता देना, आपने अभी क्या आश्वासन बहुत दिए जाते हैं। मैं दूसरा प्रश्न आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि देश में अकाल और सूखे की मार निरंतर रहती है और देश के कई भागों में बाढ़ का संकट रहता है, हमारे यहाँ सूखे का संकट रहता है, आप जहां से आते हैं वहां बाढ़ का संकट रहता है, और भारत में 4000 अरब घन मीटर BCM वर्षा होती है और उपयोग में आता है मात्र 1123 BCM जल। मेरा आपके माध्यम से ये जानना है, और एक चीज मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि हम रिचार्ज करने चाहते हैं डगवेल के माध्यम से, उसमें गैप बहुत है, इन्होंने जो राशि आवंटित की है उसमें बहुत गैप है, 400 समथिंग राशि उपयोग में हुई है और उन्होंने 17000 समथिंग आवंटित की है, ये गैप को भी ठीक करना पड़ेगा क्योंकि नीचे का जो जल स्रोत है वो भी अपना सूख रहा है और प्रदूषित भी हो गया है। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाह रहा हूं कि एक तो वाटर मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं उनके बारे में इनका क्या कहना है, क्योंकि जल ही जीवन है और जल है तो कल है, ये वाटर मैनेजमेंट की स्थिति इनकी नहीं होगी। मैं राजस्थान से आता हूं, हमारे यहां तो पानी था नहीं, लेकिन हमारे पुरखों ने इस तरह से तालाब और बावड़ियां बना करके और वाटर मैनेजमेंट भी ऐसा किया कि पानी एक बूंद भी खराब नहीं होता था। हम पानी ऐसे नहीं पीते हैं मान्यवर, हम पानी लोटे से ऐसे पीते हैं, गट 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 गट, एक बूंद भी खराब नहीं होने देते हैं, हमारा सिस्टम अलग है पानी पीने का। तो मैं क्यों ठीक नहीं है क्या, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ देश में सूखे की स्थिति है, रेगिस्तान प्यासा मर रहा है और एक तरफ बाढ़ है, तो NDA सरकार के समय देश में सूखे और बाढ़ से निजात पाने तथा देश में समान रूप से जल संसाधन विकसित करने के लिए नदी जोड़ने का अभियान प्रारंभ किया था, क्या सरकार नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेने का विचार रखती है? बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। एक प्रश्न में कई प्रश्नों का जिक्र हुआ है और कई जो अहम हमारे मुद्दे हैं उनके प्रति माननीय सदस्य ने जानने के लिए इच्छा जाहिर की है। मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे आप खुद जानते हैं जो डग वेल्स वगैरह की स्कीम्स हैं वो डेमोंस्ट्रेटिव स्कीम्स के तौर पे जो रिचार्ज का था वो केंद्र यहां से होता है, लेकिन इनकी योजना बनाना, उनका कार्यान्वयन करना और वित्त पोषण प्रांतों का काम होता है। उसके बावजूद भी यहाँ से एक एक स्कीम के तहत जितना भी कोई वित्त पोषण किया जा सकता है वो करने का हर वक्त प्रयास रहा है। AIBP के आंकड़े तो मेरे माननीय साथी ने पहले दिए हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह का काम है उसके लिए निरंतर तौर पे हमें दोनों को लाके काम करना है। आपने अपने अखीरले प्रश्न में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का कहा था, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स से ये हमारा मानना है कि अगर वो जो हमारी स्कीम्स हैं वो हो पाएगी, जो हमारा इरिगेशन पोटेंशियल है, अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल, वो 25 मिलियन हेक्टेयर उसके साथ बढ़ सकता है, और अगर वो रिवर्स सभी इंटरलिंक हो जाएं, और उस पर अलग अलग विचार हैं लोगों के, लेकिन अगर हो जाएं एक समय हम माने तो 25 मिलियन हेक्टेयर्स के साथ साथ 10 मिलियन हेक्टेयर्स कंजंक्टिव यूज़ के साथ, यानी कि नीचे पानी जो चला जाएगा उससे भी मिल पाएगा, लेकिन इसके लिए आज के कीमतों के हिसाब से भी 7 लाख करोड़ रुपये की ज़रूरत है, जितना पैसा लगता है उसके अलावा 7 लाख करोड़ रुपए की देश के लिए उसकी ज़रूरत है। वो हमारे लिए आप जानते हैं एकदम ऐसा नहीं कि वो एकदम किसी ढंग से उपलब्ध हो सकता है, लेकिन एक फेज तरीके से हमारा प्रयास है। पांच प्रोजेक्ट्स देश में, उनको आइडेंटिफाई किया गया है प्रायोरिटी बेसिस पे, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम उनको जल्दी से जल्दी उस पर कर पाएँ, लेकिन आपसे जो संबंध रहेगा उसके लिए पार्वती काली राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान, मैं तभी जवाब दे पाऊंगा अगर वो खुद बैठेंगे। मैम, राजस्थान और मध्य प्रदेश का आपस में दोनों के बीच में जो ये नदी के जोड़ने का एक प्रस्ताव है वो है पार्वती काली सिंध चंबल का, और इसमें अभी आप ये जानते होंगे माननीय सदस्य मध्य प्रदेश से भी यहाँ हैं कि मध्य प्रदेश के अभी उस पर सहमति नहीं है। जितनी देर तक संबंधित सरकारों की, राज्यों की आपस में सहमति नहीं हो सकती उतनी देर तक हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं कि हम उसको कर पाएंगे।
मैं जवाब दे सकता हूं अगर आप बैठ के मेरे से जानना चाहें, ऐसे मुझे कुछ पता नहीं लगेगा। श्री हरीश